हेलो स्टूडेंट्स, तो इंजेक्शन के बाद सेकंड स्टेप आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब होता है फूड जो है डाइजेस्ट होना, यानी कि पचना। तो लार्ज इनसोल्युबल जो मॉलिक्यूल्स है फूड का, वो जो टूट करके और जो स्मॉल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो इसका जो है डाइजेशन को डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग द फूड कंटेनिंग लार्ज इन सोल्युबल लार्ज इन सोल्युबल मॉलिक्यूल इनटू द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इन सोल्युबल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स स्मॉल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब ये डाइजेशन जो होता है, ये जो है सिंपल टर्म है। अब ये कहता है कि मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ, दो तरीका जो है इसको एनिमल्स यूज करते हैं डाइजेशन में, फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेस्टिंग द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे फिजिकल का मतलब हो गया चेविंग हो गया, है ना, मैंने चेविंग हो गया, ग्रिंडिंग हो गया, ये फिजिकल हो गया। और एक केमिकल मेथड में हो गया, जैसे इंजाइम्स हैं, इंजाइम्स जो है वो फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। तो ये दो मेथड हो गया, फिजिकल मेथड भी हो गया और केमिकल मेथड हो गया। तो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स में जो टूटता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। थर्ड में डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ है वो एब्जॉर्ब होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ, अब डाइजेस्टेड फूड जो है इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड में मिल जाता है, तो ब्लड में यानी कि मिल जाने की प्रोसेस को ही हम लोग
एब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि डाइजेस्ट फूड जो है ब्लड के द्वारा क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे एब्जॉर्प्शन कहेंगे।